हेलो दोस्तों, 13 साल के लड़के को प्यार हुआ है एक खूबसूरत विधवा औरत से। इनकी प्रेम कहानी क्या रंग लाएगी, क्या दोनों मिल पाएंगे? कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक स्कूल से। स्कूल में हमें काफ़ी लड़कों को लड़ते हुए दिखाया जाता है। इनमें एक एडम भी है। एडम अपने अपोनेंट से लड़ रहा है पर उसका अपोनेंट उस पर भारी पड़ा है। इस लड़ाई में एडम का दांत टूट जाता है। बाद में टीचर इन्हें पनिश करती है। एडम अपने टूटे हुए दांत को नैपकिन में छिपाता है। पनिशमेंट के बाद एडम घर पहुंचा है। वो अपने इस टूटे हुए दांत को ग्लू से चिपका लेता है। रात को जब वो खिड़की पर बैठा है तब वो एक अश्लील मैगजीन को देख रहा है। तभी उसे खिड़की से मैगजीन वाली लड़की दूसरी अपार्टमेंट में बैठे हुए दिखती है। वह इस समय अर्धनग्न अवस्था में है और धूम्रपान किए जा रही है। उसके अंगों को देख कर एडम काफ़ी आकर्षित होता है। उसके खूबसूरत टांगों को देखकर एडम के मन में काम वासना जागृत होती है। अगली सुबह एडम उस लेडी के बारे में जानना चाहता है। वो उसके घर के दरवाजे के सामने पहुंचता है। वो देखता है कि एक पोस्टमैन लेटर बॉक्स में लेटर डाल रहा है। पोस्टमैन के जाने के बाद एडम इस बॉक्स से लेटर निकाल लेता है। इस लेटर में लिखा है कि ये लेटर कैथरीन को भेजा गया है और ये और किसी ने नहीं बल्कि US के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भेजा है। यानी एडम को ये तो पता चल गया कि इस खूबसूरत औरत का नाम कैथरीन है। वो वापस इस लेटर को बॉक्स में डाल देता है। घर के बाहर से वो छिप कर इस घर को देखने की कोशिश करता है। तभी यहाँ कैथरीन आ गई है। कैथरीन को देखकर एडम थोड़ा नर्वस होता है पर वो यह बहाना बनाता है कि उसे काम की ज़रूरत है। यूरोप की ट्रिप पे जाना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है। कैथरीन उसे घर के अंदर बुलाती है। कैथरीन पूछती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। एडम कहता है कि उसे कुछ भी करना नहीं आता। कैथरीन के पास इस समय सिर्फ एक ही काम है, गार्डनिंग का। उसे अपने गार्डन को रिनोवेट करना है। एडम कहता है कि उसे आता तो नहीं है पर वो धीरे धीरे करना सीख जाएगा। इस तरह कैथरीन ने उसे अपने यहाँ गार्डनिंग का काम दे दिया है। घर से बाहर निकलकर एडम बड़ा खुश है। यानी एक ही रात में वो काफ़ी आगे बढ़ गया। कल रात को उसने कैथरीन को देखा था, आज वो उसके घर में भी आ गया, उसका नाम भी पता चल गया और अब वो रोज़ कैथरीन को देख सकता है यहाँ आकर। भले ही काम के बहाने पर उसकी एक मुराद तो पूरी हो ही गई। इसके बाद हम एडम को स्कूल में देखते हैं। स्कूल में भी एडम की एक क्रश है फेथ। फेथ पर वो काफ़ी दिनों से फिदा है। फेथ भी अक्सर एडम को देख लेती है। आज जब दोनों मिले हैं तो फेथ उसे इशारों इशारों में एक्सेप्टेंस दे रही है। एडम फेथ से पूछता है, क्या तुम मेरे घर चलोगी? फेथ कहती है कि मैं तुम्हारे घर आकर क्या करूँ। एडम बहाने बनाता है कि दोनों घर पर बैठकर वीडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, गाने सुनेंगे। इतने में टीचर पीछे से आ जाती है। वो एडम को जब एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती हैं तब उसके कान को पकड़ कर यहाँ से खींच कर ले जाती हैं। आज रात को एडम अपनी खिड़की से कैथरीन के अपार्टमेंट को देखता है। अक्सर वो फ़ोटोज़ खींचता रहता है, कैथरीन की, उसके घर की। वो नीचे देखता है कि कोई शख्स अपनी कार से उतरा है, उसके साथ कुछ और भी लोग हैं। ये और कोई नहीं बल्कि US के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी हैं। एडम इन सब की तस्वीरें खींचता है। प्रेसिडेंट कार से उतरता है, वो कैथरीन के साथ चुंबन क्रिया करता है। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाकर हमबिस्तर होते हैं। एडम को ये जानकर हैरानी हुई है कि कैथरीन का चक्कर चल रहा है प्रेसिडेंट से। अगली सुबह वो गार्डनिंग का काम करने पहुंचा है और कैथरीन से इस बारे में पूछता है। कैथरीन कहती है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? एडम कहता है कि वो खिड़की से सब कुछ देख रहा था, उसने कुछ तस्वीरें भी खींची हैं। कैथरीन पहले तो कहती है कि जॉन एफ कैनेडी सिर्फ उसका दोस्त है, यानी उसके और प्रेसिडेंट के बीच में कुछ भी नहीं है। पर इस समय एडम के मन में ईर्ष्या है, वो कैथरीन को किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसे पूछता है कि उसके बेटे की क्या कहानी है। दरअसल एडम को उसके पेरेंट्स ने पहले ही कैथरीन से मिलने से मना किया है। जब एडम ने इस बारे में पूछा तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि कैथरीन का पहले एक बेटा था, अब वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। यानी कैथरीन को बच्चों की देखरेख करनी नहीं आती, इसलिए उसके पेरेंट्स ने एडम को कैथरीन से दूर रहने को कहा था। इस बारे में एडम कैथरीन से पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। कैथरीन कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कैसे पता? एडम बताता है कि उसके पेरेंट्स ने इस बारे में बताया है। एडम आगे भी कहता है, अगर तुम्हारा बेटा था इसका मतलब तुम्हारा हस्बैंड भी रहा होगा, अब वो कहाँ है? कैथरीन कहती है कि वो जा चुका है। इसके बाद कैथरीन और कोई जवाब नहीं देना चाहती, वो यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जब कैथरीन यहाँ से निकली है तब वो सज धज कर निकली है। एडम उसे देखकर कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। कैथरीन यहाँ पर स्माइल देती है और यहाँ से जाने लगती है। एडम अपना काम धाम छोड़ कर कैथरीन का पीछा कर रहा है। कैथरीन की इस लंबी यात्रा में एडम पीछे पीछे कभी जंगल तो कभी सड़क से छिप कर कैथरीन को देखे जा रहे हैं। कैथरीन काफ़ी दूर जाकर एक शख्स से मिलती है, इसका नाम लूसियन है। लूसियन और कैथरीन एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं। एडम इन सब को देखता है।
वो वापस घर आ जाता है। घर में एडम मिट्टी से सना हुआ आया है। उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं और कहते हैं कि दोबारा वो कैथरीन से ना मिले। अगले बार जब एडम कैथरीन से मिलने गया है तब यहाँ उसका हस्बैंड मिला है। इसका नाम ग्राहम है। ग्राहम पहले तो एडम को पकड़ कर कैथरीन के सामने ले जाता है। एडम के सामने ही कैथरीन और ग्राहम आपस में लड़ पड़ते हैं। यहाँ में पता चलता है कि ग्राहम और कैथरीन का काफ़ी पहले डिवोर्स हो गया था। अभी भी कैथरीन अपने बच्चे को खोने के गम से उबर नहीं पाई। ग्राहम बार बार उसे इन सब से आगे निकलने को कहता है। वो अभी भी कैथरीन के साथ रियूनाइट होना चाहता है पर कैथरीन उसे बार बार इनकार कर देती है। इस बार भी वो ग्राहम को यहाँ से भेज देती है। एडम ग्राहम का पीछा करता है। ग्राहम लूसियन से मिला है और उसके साथ ही डॉक्टर वेल आया है। ये तीनों मिलकर किसी डायरी के बारे में बात कर रहे हैं। एडम को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या कहानी है। इसके बाद स्कूल में एडम मिला है फेथ से। एडम के कहने पर फेथ और उसकी सहेली एडम के घर आते हैं। यहाँ फेथ और एडम एक दूसरे के साथ बैठे हुए आपस में चुंबन क्रिया शुरू करते हैं। जब एक दूसरे को किस कर रहे हैं कि तभी फेथ के मुंह में एडम का टूटा हुआ दांत आ गया है। ये सब देखकर फेथ बड़ी ऑकवर्ड होती है। वो एडम से कहती है पहले तो अपने दांत ठीक करा लो उसके बाद मुझे फ़ोन करना। इस तरह एडम की ये डेट फेल हो गई है। एडम बाद में कैथरीन से मिला है। वो ग्राहम और लूसियन की मुलाकात के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि उनके साथ कोई तीसरा शख्स भी था डॉक्टर वेल। कैथरीन कहती है कि तुम इन सब की फिक्र मत करो मैं ये सब देख लूँगी। कुछ दिनों के बाद एडम जब दोबारा कैथरीन के घर आया है तब यहाँ कोई नहीं है। वो कैथरीन की डायरी को देख लेता है और इसे लेकर अपने घर आ जाता है। एडम और कैथरीन की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं। एक बार कैथरीन एडम को ड्रिंक पिलाती है। एडम यहाँ उसके साथ पेंटिंग करने की इच्छा जाहिर करता है। एडम और कैथरीन एक साथ पेंटिंग शुरू करते हैं। पेंटिंग करते हुए दोनों रंगों से खेलने लगते हैं। दोनों के बीच यहाँ होली खेली जाती है। इस समय एडम मौका पाते ही कैथरीन को बार बार देखता है। उसके अंदर काम वासना जागृत होती है। वो कैथरीन को स्पर्श करना चाहता है। वो कैथरीन को जैसे ही किस करने जाता है कैथरीन उसे इनकार कर देती है। इसके बाद एडम अपने घर आ गया है। एडम को पेंट से सना हुआ जब उसके पेरेंट्स देखते हैं तब वो कहते हैं कि अब से वो कभी कैथरीन के घर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि एडम के फादर ने एडम की मदर को वर्क फ्रॉम होम लेने की आज्ञा दी है। इस तरह एडम की मदर अब एडम पर नज़र रखेंगी। एडम कैथरीन के प्यार में इतना दीवाना है कि वो डायरी को अपने सीने से लगाकर सोता है। कुछ समय के बाद खबर मिली है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है। एडम कैथरीन के घर जाता है। वो देखता है कि कैथरीन काफ़ी उदास है। वो उसे सहारा देने जाता है। मौका पाते ही वो कैथरीन को किस करता है। कैथरीन भी उसे इसकी इजाज़त देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया शुरू करते हैं। एडम कैथरीन को किस करता हुआ अपने हाथों से उसके अंगों को स्पर्श करता है। कैथरीन यहाँ पर उत्तेजित होती है। दोनों एक दूसरे के साथ रति क्रिया करते हैं कि तभी कैथरीन को होश आता है। उसे लगता है कि ये सब गलत है। वो एडम को बीच में ही रोक देती है। एडम यहाँ से अपने घर आ जाता है। घर पर वो अपनी माँ को भी प्रेसिडेंट की मौत के दुख में रोते हुए देखता है। अगली सुबह कैथरीन एडम के घर आई है। एडम की माँ उसे एडम से मिलने नहीं देती। कैथरीन कहती है कि एडम के पास उसकी एक कीमती चीज़ है उसे वो चाहिए। इसके बाद कैथरीन यहाँ से चली जाती है। कैथरीन जब अपने घर पहुँची है तब उसका हस्बैंड फिर से उसे मिलने आया है। वो कहता है कि अगर कैथरीन डायरी लूसियन को दे दे तब ये दोनों आज़ाद हैं और यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। अगले दिन फिर से एडम को एज यूजुअल सजा दी गई है। उसे चर्च में भेजा गया है अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए। दरअसल वो मरे हुए प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और इसलिए उसे सजा दी गई है। जब चर्च में एडम बैठा है तब वो कैथरीन को यहाँ पर देखता है। कैथरीन कहती है कि वो एडम की आंटी बनकर स्कूल वालों से परमिशन लेकर इस चर्च में पहुँची है। कैथरीन यहाँ एडम से कहती है अब मैं इंडिया जा रही हूँ। हालांकि मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती पर मैं वहाँ शांति ढूँढूँगी। मैंने सुना है वो काफ़ी अच्छी जगह है रहने के लिए। एडम उससे पूछता है क्या अगर मैं उम्र में बड़ा होता तो क्या तुम उसे प्यार करती। कैथरीन इस समय एडम को किस करती है और इस बात की कन्फर्मेशन देती है कि हाँ वो भी एडम को पसंद करती है। पर कैथरीन यहाँ ये भी कहती है कि उसे वो डायरी चाहिए। ये डायरी उसकी मौत और ज़िंदगी का सवाल बन गया है। एडम उसे वादा करते हैं कि आज दोपहर को 3:30 बजे वो हर हाल में डायरी उसे दे देगा। यहाँ दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। एडम अब जानता है कि शायद वो कैथरीन को दोबारा ना देख पाए इसलिए उसकी आंखें नम हैं। एडम जब घर पहुंचा है तब यहाँ वो दूसरा ही नज़ारा दिखता है। उसके फादर से मिलने लूसियन आया है। एडम अपने रूम में जाकर डायरी को चेक करता है। डायरी यहाँ नहीं है। वो अपने फादर पर गुस्सा होता है। उसके फादर कहते हैं कि एडम को इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। एडम जान चुका है कि उसके फादर ने डायरी लूसियन को दे दी है। एडम दौड़ता हुआ लूसियन के पास पहुँचा है। लूसियन के हाथ में डायरी तो है पर उस डायरी को आग में फेंक देता है। एडम अपनी आंखों के सामने उस डायरी को जलता हुआ देख रहा है।
वह काफ़ी इमोशनल होता है। लूसियन कहते हैं कि वो कैथरीन से बस डायरी चाहता था, अब बेचारी कैथरीन आराम की नींद सो रही है। एडम भागता हुआ बाहर आता है, सीढ़ियों के नीचे वो कैथरीन की लाश को देखता है। उसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल होता है। भावुक होता हुआ एडम उसकी आँखें जो कि खुली हुई हैं उसे बंद कर देता है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसके फादर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लूसियन उसे रोक रहा है। इन सब बातों को कुछ दिन बीते हैं, एडम को कैथरीन के द्वारा एक पार्सल रिसीव हुआ है। एडम इसे खोल कर देखता है, इसमें पेंटिंग्स के अलग अलग टुकड़े हैं। एडम इन सब को जब जोड़ता है तब ये एडम की एक खूबसूरत पेंटिंग बनती है। इसे देखकर एडम काफ़ी भावुक होता है। उसके पेरेंट्स भी इस समय काफ़ी रो रहे हैं। एडम ये रियलाइज़ करता है कि कैथरीन उसे कितना प्यार करती थी। मरने से पहले कैथरीन ने इसे पार्सल कर दिया था एडम के लिए, यानी मरते वक्त भी वो सिर्फ एडम के बारे में सोच रही थी। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।